आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप अपने कंप्यूटर को किस तरह से स्पीड अप कर सकते हैं, कैसे इसे फास्ट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आपको आपके कंप्यूटर में, विंडोज़ में जो विजुअल इफ़ेक्ट्स अप्लाइड हैं, आपको उन्हें हटाना है ताकि आपके मेमोरी सेव हो सके, क्योंकि विजुअल इफ़ेक्ट्स हमारी कंप्यूटर में मेमोरी को यूज़ करते हैं। अगर आप इन्हें हटा देंगे तो मेमोरी फ्री हो जाएगी, जिससे कि आपका कंप्यूटर फास्ट होगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला फिक्स, आपको विंडोज़ में जाना है, यहाँ पर लिखिए विजुअल इफ़ेक्ट्स, यहाँ आपको क्लिक करना है एडजस्ट द अपीयरेंस एंड परफॉर्मेंस ऑफ विंडोज़। यहाँ आप देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑप्शन सिलेक्टेड होता है। तो अगर आपको बेस्ट अपीयरेंस चाहिए तो आपको इसे क्लिक करना है, लेकिन यहाँ क्लिक करने से आपकी मेमोरी ज़्यादा यूज़ होगी, रैम ज़्यादा यूज़ होगी, और एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस करने से आपकी मेमोरी कम यूज़ होगी और आपके जो इफ़ेक्ट्स हैं, जो फेडिंग इफ़ेक्ट, एनिमेशन इफ़ेक्ट, वो सब हट जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप एक चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पर इसे क्लिक कीजिए और सबसे बॉटम में इस चेकबॉक्स को भी क्लिक कर दीजिए और अप्लाई कर दीजिए। इससे आपकी विंडोज़ लुक एंड फील वैसी ही रहेगी, लेकिन आपके अनवांटेड इफ़ेक्ट्स रिमूव हो जाएंगे। इसके बाद आपको सेट करना है वर्चुअल रैम। आपके कंप्यूटर में एक फिज़िकल मेमोरी होती है जिसे रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, जिसे आप रैम कहते हैं। मान लीजिए आपकी रैम 4 GB है, तो आप इसे वर्चुअली इंक्रीज़ कर सकते हैं वर्चुअल रैम के अकॉर्डिंग। तो वर्चुअल रैम इंक्रीज़ करने के लिए आपको टाइप करना है एडजस्ट परफॉर्मेंस, और यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको क्लिक करना है एडजस्ट एडवांस पर, और एडवांस में आप देख सकते हैं वर्चुअल मेमोरी, ए पेजिंग फाइल इज़ एन एरिया ऑन द हार्ड डिस्क दैट विंडो यूजेस इफ इट वर रैम, रैम की तरह से आप ये यूज़ होता है। तो इसका आपको चेंज करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम मैनेज होगा आपके आपके कंप्यूटर में, आपको इसे कस्टम साइज करना है, और यहाँ पर आप मिनिमम इनिशियल साइज सेट करेंगे और यहाँ पर आप मैक्सिमम साइज सेट करेंगे। तो मान लीजिए आपकी मेमोरी 4 GB है, तो 4 GB इंटू 1.5 यानी कि 6, तो आप मिनिमम 6 सेट कर सकते हैं, और 6 GB यानी इसको आपको MB में कन्वर्ट करना है, और मैक्सिमम आप इसे 3 times यानी कि 4 × 3 12 GB आप इसे सेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर 12 GB सेट किया गया और यहाँ पर 5.9 something GB यूज़ किया गया। तो इससे भी आपकी कंप्यूटर की मेमोरी इंक्रीज़ हो जाती है, रैम इंक्रीज़ हो जाती है। तो आपको इसको क्लिक करना है और इसको अप्लाई कर देना है। इसके बाद आपको प्रीफेच फोल्डर को ओपन करना है। तो आइए देखते हैं। इसके लिए आपको सर्च नहीं करना, इसके लिए आपको रन करना है। तो आपको विंडो R प्रेस करना है और यहाँ पर लिखना है प्री फेच और आपको एंटर करना है। यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सी फाइल्स दी गई हैं, ये सब फाइल्स टेम्परेरी फाइल्स हैं और लॉग फाइल्स हैं, जो कि तब जनरेट होती हैं जब आपके फ्रीक्वेंटली रनिंग प्रोग्राम्स चलते हैं। मान लीजिए आप विंडोज़ में ऑफिस को ज़्यादा यूज़ करते हैं या स्काइप को ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो जैसे ही फ्रीक्वेंटली यूज़ प्रोग्राम चलते हैं ये बैकग्राउंड में ये फाइल्स क्रिएट होती रहती हैं। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट ऑल करना है, कंट्रोल ए प्रेस कीजिए और यहाँ पर आपको इसको डिलीट कर देना है। रिमूव टेम्परेरी फाइल्स, आपको विंडो और आर का बटन प्रेस करना है और यहाँ पर लिखना है परसेंटेज TMP% और ओके पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख पाएंगे बहुत से फोल्डर्स और फाइल्स जो कि टेम्परेरी हैं और इन्हें आप सेफली डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कंट्रोल ए करना है और कंट्रोल ए के बाद आपको इसको डिलीट करना है।
कुछ फाइल्स इसमें से डिलीट नहीं होंगी तो आप उन्हें स्किप कर सकते हैं। रिसाइकल बिन पर राइट क्लिक कीजिए और एम्प्टी रिसाइकल बिन पर क्लिक कीजिए और यस पर क्लिक कर दीजिए। रिमूव अनवांटेड आइटम्स फ्रॉम एमएस कॉन्फिग। विंडो स्टार्ट पर क्लिक करें, यहां पर लिखिए एमएस कॉन्फिग और इसे ओपन करें। यहां पर आपको सर्विसेज और स्टार्टअप दो टैब्स दिखाई देंगे। स्टार्टअप में वो प्रोग्राम्स आपको दिखाई देंगे जो आपके कंप्यूटर स्टार्ट होते ही ऑटोमेटिकली रन हो जाते हैं। यहाँ पर आप अनवांटेड प्रोग्राम्स जो आप चाहते हैं कि आपके सिस्टम स्टार्टअप पर ऑटोमेटिक स्टार्ट ना हो, उनको आप यहाँ पर अनचेक कर सकते हैं। और सर्विसेज में हाइड ऑल माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज पर क्लिक करें और ये सर्विसेज हैं जो आपके अभी रनिंग में हैं या स्टॉप में, तो इनमें से भी आप अनवांटेड सर्विसेज को अनचेक कर सकते हैं। और यहां पर आप अपने सिस्टम को रिस्टार्ट कर सकते हैं। डिस्क क्लीनअप। डिस्क क्लीनअप के लिए विंडोज स्टार्ट बटन पर क्लिक करें, यहां पर टाइप करें डिस्क क्लीन, सी ड्राइव सेलेक्ट करें और ओके पर क्लिक करें। क्लीन अप सिस्टम फाइल्स पर क्लिक करें, फिर से सी ड्राइव सेलेक्ट करें और ओके पर क्लिक करें। यहां पर सभी ऑप्शंस पर क्लिक करें। डिलीट फाइल्स पर क्लिक करें। और इस तरह से आपकी अनवांटेड फाइल्स डिलीट हो जाएंगी। चेंज पावर प्लान। विंडो स्टार्ट बटन पर क्लिक करें, यहाँ पर टाइप करें पावर प्लान, चूज ए पावर प्लान पर क्लिक करें। अगर आपका प्रेफर्ड प्लान ऑलरेडी बैलेंस्ड है तो इसको आपको चेंज करना है हाई परफॉर्मेंस में और इसे आपको क्लोज कर देना है। अनइंस्टॉल अनवांटेड एप्स। विंडो स्टार्ट बटन पर क्लिक करें, यहां पर टाइप करें कंट्रोल पैनल यहां पर प्रोग्राम और फीचर्स पर क्लिक करें और अनवांटेड प्रोग्राम्स जिन्हें आप यूज नहीं करते हैं, जो किसी भी पैकेजेस या किसी सॉफ्टवेयर के साथ इंस्टॉल हो गए हैं, आप उन्हें यहां से देखकर रिमूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसे रिमूव कर सकते हैं। इसी तरह से आप और भी प्रोग्राम्स सॉफ्टवेयर्स को रिमूव कर सकते हैं। विंडो फीचर्स। विंडो स्टार्ट बटन पर क्लिक करें, यहां पर टाइप करें विंडो फीचर, यहां पर आप देख पाएंगे टर्न विंडो फीचर ऑन एंड ऑफ, इस पर क्लिक करें और यहां पर आप अनवांटेड फीचर्स जो जिन्हें आप यूज नहीं करते विंडोज में, उन्हें आप यहां से रिमूव कर सकते हैं, जो कि आपकी बहुत सी मेमोरीज को सेव करेगा। जैसे कि आप गेम्स को रिमूव कर सकते हैं और आप जब भी आप गेम रिमूव कर रहे हैं तो देखिए इसमें बहुत सी गेम्स रिमूव हो जाएंगी जिससे कि आपकी मेमोरी सेव होगी, तो इसे आप अनचेक कर दें। इसी तरह से आप
आप अपने अकॉर्डिंग, मान लीजिए आप टेलनेट यूज़ नहीं करते हैं तो आप इसे अनचेक कर सकते हैं, और ये सब करने के बाद आपको ओके पर क्लिक करना है। डीफ्रेगमेंटेशन, विंडो स्टार्ट बटन पर क्लिक करें, यहां पर लिखिए डीफ्रेगमेंटेशन और डीफ्रैग और डिस्क फ्रेगमेंटर, डिस्क डीफ्रेगमेंटर पर क्लिक करें। यहां पर आप देख सकते हैं कि 0% है अभी, लेकिन आपके हो सकता है कि यहां पर फ्रेगमेंटेड हो, तो इसको आपको हर एक ड्राइव को सिलेक्ट करना है और यहां पर इसे डीफ्रेगमेंट करना है। जानकारी चैनल पर अलग अलग तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल पर क्लिक करें।